mechanism of enzyme action is continued in this module. The ground state and the transition state, पिछले मॉड्यूल में हमने उसके डिफाइन किया एनर्जीज किस टाइप्स की थी, या हम उसकी हमने वहां ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा सा देखा था कि वो एनर्जी कौन सी थी, डेल्टा डबल डैगर हमने बोला था उसको, तो इसी तरह ये डेल्टा डबल डैगर, इसी तरह हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को भी डिफाइन करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट और जो जी डबल डैगर थी उसको भी हम थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे कि वो किस वजह से थी, कैसे ओवरकम होगी और किस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। सो द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइदर फॉर आइदर द फॉरवर्ड और द रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। द इक्विलिब्रियम बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ देयर ग्राउंड स्टेट्स। अब कोई भी रिएक्शन होने जा रहा है और उसने इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो उसकी शुरू स्टार्ट होने से पहले जो एनर्जीज हैं उस सिस्टम की, उस रिएक्शन की, उस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की, दीज आर नोन एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज। और जब इसने अचीव करना है इक्विलिब्रियम, तो द इक्विलिब्रियम बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, के सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के दरमियान कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा तो रिएक्शन होगा। अगर एक जैसी एनर्जीज होंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो ऑलरेडी है, तो दिस चेंज ऑफ एनर्जी चेंजेस फ्री एनर्जी जो है ना वो इक्विलिब्रियम को रिफ्लेक्ट करती है इन दी फ्री एनर्जीज ऑफ देयर ग्राउंड स्टेट्स, के जो प्रोडक्ट्स की डिफरेंट होगी, सबस्ट्रेट की डिफरेंट होगी, और ये दोनों एनर्जी जो है ना ये ग्राउंड स्टेट्स की हैं जिसके अंदर अभी रिएक्शन कोई शुरू नहीं हुआ। द फ्री एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर लोअर होगी प्रोडक्ट की जो है ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी देन द सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम एंड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। सो द डेल्टा जी प्राइम नॉट फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव एंड द इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स की कम है एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट, सो द डेल्टा जी प्राइम नॉट इज नेगेटिव एंड इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसको कुछ नहीं कर रहा, इस वजह से वो इक्विलिब्रियम जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। सो देयर इज नो रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। दिस इज अगेन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये एक सबस्ट्रेट पड़ा, इसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है कि जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उस वक्त भी एक इसके अंदर एक एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल जो आपस में मिल रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी इंटरेक्शंस हैं। एंड इन दिस डायग्राम दिस प्रोडक्ट इज हैविंग अ लेसर ग्राउंड स्टेट एनर्जी विच इज एंड दिस नेगेटिव डेल्टा जी प्राइम नॉट। तो ये क्या करेगा, ये कम है तो ये फेवर कर रहा है इस साइड पे रिएक्शन को जाने को, टू अचीव एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट है विच इज दी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन ए रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज नोन एज दी ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को हमने बोला था डेल्टा जी डबल डैगर। इस डेल्टा जी डबल डैगर को जब तक हम इसको ओवरकम नहीं करते, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को हम ओवरकम नहीं करते, उस वक्त तक रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ऑल दो देयर इज अ डेल्टा जी प्राइम नॉट इज ऑन द नेगेटिव, बट देयर इज अ स्पेसिफिक एनर्जी विच इज ट्रांजिशनल एनर्जी और द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट्स। बट देयर इज एन एनर्जी बैरियर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। लोअर तो थी एनर्जी,
सबस्ट्रेट की हायर ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, प्रोडक्ट की लोअर ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बैरियर है जिसको क्रॉस करना है। वो बैरियर क्या है? वो ट्रांजिशन स्टेट है, और वो ट्रांजिशन स्टेट उस पर्टिकुलर जो है एक्शन कोऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, वो दैट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। सो ये जो एनर्जीज इसके अंदर पड़ी हुई हैं ग्राउंड स्टेट में या ट्रांजिशन स्टेट में, वो किस वजह से हैं? बट देयर इज एनर्जी बैरियर बिटवीन सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अलाइनमेंट ऑफ रिएक्टिंग ग्रुप्स। अब दो तीन रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं, एक सब्सट्रेट है, एक प्रोडक्ट जो है ना उसके एंजाइम ने लगना है, या दो तीन सब्सट्रेट आपस में मिलके जो है रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बॉन्ड्स ने बनना है, कुछ ने टूटना है, उसके लिए पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड है। एंड अलाइनमेंट ऑफ द रिएक्टिंग ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट अनस्टेबल चार्जेस, कुछ चार्ज लगने हैं, कुछ टूटने हैं, उन सारों ने मिला के, एंड बॉन्ड रीअरेंजमेंट्स एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड अ एनर्जी बैरियर। द एनर्जी बैरियर इन चीज़ों की वजह से बनता है कि बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड बनने टूटने से, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट बॉन्ड्स एंड अनस्टेबल चार्जेस एंड द अदर ट्रांसफॉर्मेशन कॉजेज दिस एनर्जी बैरियर। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाई एनर्जी हिल। हमने जो पीछे देखा था कि इस तरह एनर्जी हिल बनी थी वहाँ पे एक, तो उसको एनर्जी हिल बन गई, ट्रांजिशन एनर्जी आ गई वहाँ पे, ड्यू टू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट विच आर इन फॉर द एंड कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ अप हिल और अ एनर्जी हिल विच इज नोन एज द ट्रांजिएंट स्टेट और ट्रांजिएंट एनर्जी। To undergo reaction, the molecules must overcome this barrier. अब इस जो इसके अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जीज पड़ी हुई हैं, इसको जब तक ओवरकम नहीं करेंगे इस बैरियर को, तब तक हम इसको जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। To undergo reaction, the molecules must overcome this barrier and therefore must be raised to a higher level of energy, which is definitely above the ground state energy. This is called the transition state. अब ये जो transition state बन गई कि जिसमें वो energy ज़्यादा हैं, वो transition ground state से ज़्यादा हैं, that is uphill and this is the transition state energy. This, what is this transition state? It is simply a fleeting molecular movement in which events such as bond breakage, bond formation and charge development have proceeded to the precise point at which decay or either substrate or product is equally likely. ये भी वही चीज़ फिर डिस्कस कर रही है इन डिफरेंट जो है उसमें हमने पैरामीटर में डिस्कस किया कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी जो है, ट्रांजिशन स्टेट भी उसी वजह से है कि बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन और उसके साथ जो कुछ हो रहा है, वो जब तक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी ट्रांजिशन स्टेट जो है दैट इज उसको ओवरकम किए बगैर उस बैरियर को हम वो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट ऑफ एक्टिवेशन एंड द ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज द एक्टिवेशन एनर्जी और द जी डबल ड्रैगन। के जो डिफरेंस है बिटवीन, ये हमने डिफाइन किया था, ये ए टू बी है, ए और ये बी है, इसके ये अपहिल जा रहा है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, तो ये जब तक इस अपहिल को जो ओवरकम नहीं करते, तो उस चीज़ को जी डबल डैगर से हमने डिफाइन कर दिया था, उस वक्त तक ये जो है ना रिएक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। At the top of the energy hill is the point at which decay to substrate or product state is equally probable. अब जब uphill पे चले गए तो वहाँ से product का बनना या substrate का बनना वो equally either way reaction जा सकता है। A substance that modifies the transition state to lower the activation energy is termed as catalyst. A biological catalyst is termed as enzyme. अब हमने देखा कि ground state energy है प्रोडक्ट की भी और सबस्ट्रेट की भी, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट एनर्जीज भी हैं।
अब वो ट्रांजिशन स्टेट्स एनर्जी को ओवरकम करना है वो किसने करना है, वो जिस जो चीज उसको ओवरकम करेगी दैट इज नोन एज कैटलिस्ट एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एज वी नो आर द एंजाइम्स।